और चोखा परस लिए। चलिए तो फटाफट से झटपट में मार लेते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स अभी सुबह के 10:30 बज रहा है और हम सुबह 6 बजे उठे थे, बहुत सारा काम किए थे सुबह बहुत सारा काम, कपड़ा पड़ा धो के नहा हुआ लिए, बर्तन तो सब धो लिए थे। और फिर से अभी जो हमारा हर रोज की तरह फिर से आज हमारा काम स्टार्ट हो गया है, जो सब दिन होता है वही समोसा का कार्यक्रम। मन ठीक नहीं था, सर्दी से ये पूरा नाक दर्द कर रहा है, ये गला दर्द कर रहा है, माथा तो सब दर्द कर रहा है। तो सोचे कि दुकान का काम नहीं होगा तो कमाई वमाई बढ़ जाता है तो खर्चा बहुत ज़्यादा है हमारे घर में रोज का, वो तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पता चल ही जाता होगा। तो चलिए देखिए अभी हम खाना में क्या सब बनाए हैं। अब भूख मुझे बहुत जोर से लग जाता है फ्रेंड्स, मैं सुबह 6 बजे मुँह धोऊँ ना तो मुझे सुबह 6 बजे भूख लग जाता है, लेकिन कुछ रहता नहीं, बसिया रहता है तो बसिया खा लेते, वो तो आप लोग वीडियो में देखे करते होंगे। और बस यह नहीं रहता है तो हमें बनाना पड़ता है ताज़ा ताज़ा। तो देखिए अभी हम ताज़ा ताज़ा कुंची बना रहे हैं खाने के लिए, ताज़ा ताज़ा बनाए हैं खाने में। अभी सुबह सुबह देखिए चावल अभी जस्ट पसाए हैं और इधर दाल भी हो गया है, खदका रहे हैं। चलिए अभी इसको छेंकते हैं। अभी मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं दाल कुंची से छेंकती हूँ तो मेरा दाल बहुत अच्छा होता है, और नहीं छेंकती हूँ तो हमारा दाल नहीं अच्छा। तो चलिए छेंक लेते हैं दाल को, पहले करछुल चढ़ा देते हैं। तो देखिए करछुल गर्म हो गया था तो करछुल में हम तेल गर्म करने के लिए चढ़ा दिए। चलिए आप फोरन के उपाय करते हैं। देखिए तो तेल भी गर्म हो गया है, फोरन का भी उपाय हो गया, जीरा है, जीरा जल रहा है, इसी में डालेंगे लाल मिर्ची। वैसे हम लहसुन उसुन नहीं देते क्योंकि लहसुन का महक मुझे अच्छा नहीं लगता है, जल गया छेंक लगाते हैं। देखिए कितना गर्म दाल है, इसी में डुबाएंगे तो कितना ज़्यादा हल्ला करेगा दाल, देखिएगा। देख लिए शोर, कितना ज़्यादा दाल शोर करता है। दाल भात पे खाने के लिए देखिए इधर ओल थोड़ा सा बचा लिए थे रात में, तो इसी को अभी चोखा बनाएंगे। चोखा में कुंची कुंची डालेंगे, दिखा देते हैं। ये हरा मिर्ची है, प्याज है और ये नींबू है। ये तो सब चीज़ को काट लेते हैं, चोखा को अच्छा से बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा चोखा बन के रेडी हो गया है, आधे नींबू डाले हैं, आधा बचा लिए हैं। तो चलिए अब हम खाना परोसते हैं क्योंकि मुझे तो मुंह से पानी आ रहा है चोखा के देख के, इतना ज़्यादा नींबू को खट्टा डाल दिए हैं इसमें। चलिए फटाफट से हम खाना निकाल लेते हैं। 2 करछुल चावल निकालेंगे, चावल निकाल लिए, अब हम दाल निकाल लेते हैं। तो देखिए दाल भी निकाल लिए, अब चलिए हम चोखा निकालते हैं जो कि हमारा फेवरेट है। फाइनली हम दाल भात और चोखा परस लिए। चलिए तो फटाफट से झटपट में मार लेते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। आप लोगों को ओल को चोखा कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। काहे कि ओल का चोखा बहुत टेस्टी लगता है, जितना देखने में उतना खाने में भी लगता है। चलिए तो फटाफट से हम चेक करके आप लोग को जस्ट बताते हैं कि कैसा बना हमारा ओल के चोखा और दाल भात। तो फाइनली गाइस हम तो भात दाल चोखा खा के एकदम मस्त हो गए, बहुत अच्छा लगा खाने में। इतना अच्छा शायद आलू का चोखा भी नहीं लगता था जितना अच्छा ओल का चोखा लगा। देखिए दोनों खा रही है, कभी नहीं खाती थी आज खा रही है। कृषि अच्छा लग रहा है, इधर देख कृषि अच्छा लग रहा है, ठीक खा तो दोनों खा रही है। तो चलिए अभी हमें कौन सा काम करना है, चलिए तो बैक कैमरा से दिखा देते हैं। देखिए इधर इतना सारा समोसा भरे हैं, इधर इतना सारा भरे हैं और इधर अभी बेलिए रहे हैं। फिर हमारा ना आदत बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है क्योंकि हमें जब खाना खा लेते इतना ज़्यादा नींद लगने लगता है, इतना ज़्यादा नींद लगने लगता है। छिपा छीना छुरी कर दे, छोड़ दो, नींद लगने से होने वाला नहीं है क्योंकि हमें जल्दी जल्दी में काम करना है। तो जाते हैं समोसा जितना भराया है उतना जाते हैं छानेंगे, फिर उधर बेलेंगे, भर भी लेंगे और छान भी लेंगे, दोनों काम एक साथ कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से करते हैं, तो वीडियो को इतना ही एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं ब्लॉग में एक नए रेसिपी के साथ, तक लिए बाय बाय। और आप लोग को हमारे दोनों बाबू कैसा लगा ये भी कमेंट में बताएं क्योंकि बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है और हमारे बात तो बिल्कुल भी नहीं मानती है, जो भी बात मानती है पापा की बात मानती है।